हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल टू जेपीईजी फॉर्मेट। उसके लिए हमें smallpdf.com एक साइट होती है, वो ओपन करनी पड़ेगी। ये मैं ओपन कर रही हूँ। उसके लिए हमें पहले एमएस वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इन सब ऑप्शंस में से मैं वर्ड टू पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। उस पर क्लिक करके अब यहाँ पे मुझे एमएस वर्ड की फाइल चूज़ करनी है। यहाँ मैं फाइल्स में से ओपन कर लूँगी, जो भी एमएस वर्ड की फ़ाइल मेरे फ़ोन में पड़ी होगी मैं वो यहाँ पर ले सकती हूँ। वो सिंगल पेज हो या मल्टीपल पेज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी पेजेस की वो एमएस वर्ड की फ़ाइल होगी उतने ही पेजेस की वो पीडीएफ बन जाएगी। ये रिज़ल्ट टेम्पलेट वाली फ़ाइल मैंने यहाँ पे ली, अब वो कन्वर्ट हो रही है पीडीएफ में। यहाँ से अब हम उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वो फ़ाइल ओपन होगी हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब मैं इस पीडीएफ फाइल को क्लोज़ करके दोबारा से smallpdf.com ओपन करती हूँ। अब हमें जो हमारी कोई सी भी पीडीएफ फाइल है उसको कन्वर्ट करना है जेपीईजी में। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी पेज की आपकी फ़ाइल होगी उतने पेज ऑटोमेटिक आपके दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैंने पीडीएफ जैसे सेलेक्ट की 3 पेज 4 पेज 20 पेज, कितने भी पेजेस की हमने पीडीएफ सेलेक्ट की तो उतने ही पेजेस की जेपीईजी फाइल हमारे जिप फॉर्मेट में आ जाएगी कन्वर्ट होके। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ, कोई सी भी फाइल ले लूँगी मैं यहाँ से। पहले मैंने रेज्यूमे फॉर्मेट वाली करके दिखाई थी तो वो सिंगल पेज की फ़ाइल थी, इसलिए मैं कोई और फाइल ले रही हूँ जिसमें मोर देन 1 पेजेस हों। ये मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट सिंगल या एंटायर पेजेस, तो हम सिंगल वाला नहीं ले सकते, वो पेड वर्ज़न है, तो इसलिए हम कन्वर्ट एंटायर पेजेस करेंगे। तो सारे पेजेस हमारे 1 बाय 1 आ जाएंगे। अगर हम डाउनलोड फाइल पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो पूरी जिप फाइल हमारे पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए 3 पेजेस की थी तो 3 यहाँ पे हमारी इमेजेस फाइल यहाँ आ जाएंगी। मैं इसे फ़ोटोज़ में ओपन कर सकती हूँ, ये देखिए। और अगर नीचे चले हम, यहाँ नीचे ड्रैग करते हैं तो नीचे सिंगल सिंगल हमें ये तीनों फाइल्स भी दिखाई देंगी। हम इनको सिंगल सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए 0001.jpg, ऐसे ही सेकंड वाली या थर्ड वाली हम अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स। ये हमारा था आज की वीडियो में कि हम वर्ड की फ़ाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीईजी में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।